टाइप कीजिए प्रेक्षा सियाचिन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, प्रेक्षा सियाचिन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ। इसके लिए जो कपड़ा लिया है मैंने वो 2.25 मीटर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम मेज़रमेंट ले लेते हैं। लेंथ जो है हमारी वो 37 इंच है। 37 इंच में हम 3+ करेंगे क्योंकि हमें ये सीम अलाउंस के लिए और जो हमारा ऊपर का नेफा फोल्ड आएगा बेल्ट में उसके लिए, तो 3 इंच हमने इसमें प्लस किए तो हमारा 40 इंच हो गया। और 40 इंच में हमारी जो 7 इंच की बेल्ट आएगी ऊपर वाली, तो हम यहाँ से 7 इंच इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस किया तो हमारा 33 आ गया। तो 33 पे हमने धोती की कटिंग करनी है। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े को ये देखिए डबल फोल्ड कर लिया है और इसे अच्छे तरह से हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद एक कोने से उठाएंगे इसकी, एक हम कोन बना लेंगे। कोन बनाने के बाद हम ये फालतू कपड़ा पहले साइडों से निकाल देंगे। तैतीस इंच हमारी लंबाई है धोती की, तो यहाँ पे हमने 33 इंच पे निशान लगा लिया है। अगर कोई कपड़ा आगे से फालतू है तो हम इसको रहने देंगे क्योंकि धोती बनने के बाद थोड़ी सी ऊपर चढ़ती भी है। तो हमारा जो यहाँ से पोंचा आएगा हम यहाँ से लेंगे, तो पोंचा का निशान मैं 6.5 इंच पे लगा लूँगी। यहाँ से 6.5 पे मैं इस पोंचे का निशान लगा लूँगी और यहाँ से ये देखिए 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे जो आसन के लिए होगा। और 9 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर से भी 1.5 इंच का ही निशान लगाएंगे। और इस 1.5 इंच से 1.5 इंच को मिला देंगे हम। मिलाने के बाद यहाँ से 0.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हम इसको गोलाई दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे भी हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 0.5 इंच को छोड़ के थोड़ा सा यहाँ से गोलाई दे देंगे। और यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हम कैंची से निशान लगा लेंगे। कटिंग हो गई है, अब हम इसकी बेल्ट काट लेते हैं। बेल्ट की कटिंग करने के लिए ये देखिए मैं यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा लूँगी क्योंकि 7 इंच जो थी हमारी बेल्ट थी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो बेल्ट है थोड़ी कम है क्योंकि हमें बेल्ट 21 या 22 इंच तक चाहिए, तो इसके साथ हम एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम और इसके साथ कटिंग करके लगा लेंगे। हम कटिंग कर लेंगे। इसके साथ हम इसे यूं करके ज्वाइन कर लेंगे सिलाई लगा के। तो ये लीजिए हमारी बेल्ट भी तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम आसन को ज्वाइन करेंगे। हम एक साइड लेंगे इसकी और दूसरी साइड दूसरे आसन की लेंगे धोती सलवार की और उसके साथ ज्वाइन करेंगे। यहाँ से हमें एक ही साइड के आसन को ज्वाइन नहीं करना क्योंकि कई बार कंफ्यूजन रहती है धोती सलवार में, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अलग अलग पीस लेके उनके आसन को ज्वाइन करेंगे।
दोनों आसन को हमने सिलाई लगा ली है। अब हम पहले बेल्ट को तैयार कर लेंगे। बेल्ट को हम सबसे पहले सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे छोड़ के यहाँ से हम सिलाई पहले लगाएंगे और इसको सिलाई लगाने के बाद हम नेफे को फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसे यूं करके यहाँ पे पहले सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा फालतू कपड़ा जो है यहाँ से हम काट लेंगे ताकि जो हम नाड़ा डालते हैं वो उफरे ना, आगे से उफरे ना, इसलिए हम थोड़ा सा इसको कटिंग कर लेंगे। अब हम नेफे को फोल्ड कर लेंगे, यूं करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। बेल्ट को सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर देखेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और पीछे से भी इसका हम सेंटर लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम सेंटर पे पीछे वाले में एक निशान लगा लेंगे। और अब क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ से भी हम इसका सेंटर करेंगे, जहाँ से हम नाड़ा डालते हैं वहाँ से सेंटर करेंगे और इसकी इस साइडों पे भी निशान लगा लेंगे। अब हम चोने डालेंगे और बेल्ट को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ये मैंने आसन वाली साइड ली है, यहाँ से हम आधा आधा इंच छोड़ देंगे और यहाँ से हम चोने डालना शुरू करेंगे। जो सलवार की चोने होती हैं वो इस साइड को होती हैं, लेकिन जो धोती सलवार होती है वो उसकी चोने उल्टी साइड को होती हैं। तो हम यूं करके चोने डालना स्टार्ट करेंगे। अब इस साइड से चोने डालने के बाद अब हमने इस साइड को चोने डाली हैं। अब इस साइड वाली हम यूं करके उल्टी साइड से यूं चोने डालेंगे। चोने डालने के बाद अब हम इसके साथ बेल्ट को ज्वाइन कर देंगे। आसन वाली साइड लेंगे और बेल्ट का सेंटर लेंगे और इसके साथ यूं रख के हम पूरी बेल्ट को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। अब इसके हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे पक्का करने के लिए। सिलाई लगाने के बाद अब हम पोंचों पे जाएंगे और यहाँ से जो हमने कट लगाया था इसको यूं फोल्ड करके चारों ओर यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। पोंचों पे सिलाई लगाने के बाद अब हम आसन पे जाएंगे और आसन के साथ आसन मिलाते हुए, ये देखिए, ये दोनों सिलाइयाँ आपस में मिलनी चाहिए और मिलाने के बाद फिर हमें ये पूरी सिलाई यहाँ तक लगानी है। तो चलिए सिलाई लगाते हैं।
एक तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब हम दूसरी तरफ से यूं ही सिलाई लगा लेंगे। धोती हमारी बन गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।